दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th है, स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे दोस्त लोग परेशान हैं कि सर, ए वेटिंग का क्या मतलब होता है या नो चेंज का मतलब क्या होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कृपया हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज आप सभी के सामने जो डाउट है वो पूरे तरीके से लाइव क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त लोग अभी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं चेक किए हैं, वो अपना अपना जाके चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ए वेटिंग का मतलब क्या होता है और नो चेंज का मतलब क्या होता है। चलिए लैपटॉप स्क्रीन की ओर आपके सामने शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने है, यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पर आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देख सकते हैं लाइव है। यहाँ पे अभी जो हम बात करने वाले हैं नो चेंज का बात करने वाले हैं, ठीक है। जो भी दोस्त लोग हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, जब आप लॉगिन कर लिए होंगे अपना एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपके सामने इस तरह से नो चेंज का रिमार्क वाले ऑप्शन में नो चेंज का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप जो आवेदन किए, इनकी दोबारा से कॉपी जाँच किए, मतलब जाँच करने के लिए आवेदन किए, तो जो भी टीचर लोग थे वो जांच किया दोबारा सारा, तो उसमें को लगा कि नंबर बढ़ने का लाइक नहीं है, इसलिए नंबर नहीं बढ़ा। यानी कि रिजल्ट जो है कंफर्म हो चुका कि आपका रिजल्ट आ गया है, नो चेंज दिखा रहा है, इसी वजह से कि आपका रिजल्ट नहीं बढ़ा, यानी कि जितना था उतना ही है, दोबारा कॉपी जाँच करने के बाद भी आपका उतना ही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमने आपके सामने पहले शेयर किए थे कि अगर आपको लगता है कि स्कूटनी का रिजल्ट, स्कूटनी फॉर्म भरने के बाद जो है, यानी कि लगता है कि कॉपी में जो है मार्क्स बढ़ने का लायक है, तो भी स्कूटनी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हम पहले आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये दोस्त लोग ये ना समझ के अपना जो है पाँचों सब्जेक्ट में डायरेक्ट स्कूटनी चैलेंज कर दिया, जिसका कि दोबारा से कॉपी जाँच हुआ बट उसका नंबर नहीं बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया। तो इसका जो इसीलिए नो चेंज ऑप्शन शो हो रहा है। तो नो चेंज का डाउट आप सबके सामने क्लियर हो गया कि इसका जो है दोबारा से कॉपी जांच हुआ लेकिन नंबर नहीं बढ़ा, इसीलिए नो चेंज ऑप्शन शो हो रहा है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया नो चेंज का। अब चलते हैं दोस्तों ए वेटिंग के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। ए वेटिंग यहाँ पे आप सबके सामने लाइव शेयर कर रहे हैं दोस्तों। ए वेटिंग यहाँ पे देखिए, आपका जब भी एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड दिखेगा, सब्जेक्ट नेम दिखेगा, यहाँ पे बिफोर स्कूटनी मार्क्स दिखेगा, यहाँ पे आफ्टर स्कूटनी मार्क्स यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। उसके बाद रिमार्क में आपको ए वेटिंग दिखेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे अपडेटेड ऑन, यानी कि आपको हम पहले भी शेयर किए थे दोस्तों कि स्कूटनी का रिजल्ट एक साथ जारी नहीं होता है। वो जो भी है दोस्त लोग जिसका ए वेटिंग शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको प्रतीक्षा करना है, यानी कि चेक करते रहना। आज आज चेक कर लीजिए, आज नहीं, आज ए वेटिंग बता रहा है तो कल चेक कर लीजिए, इसी तरह से। मतलब कि जब तक आपका ए वेटिंग हटेगा नहीं, कहने का मतलब आपको प्रतीक्षा करना है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है स्कूटनी का, आएगा तो यहाँ पे आपका जो पहले मार्क्स था वो शो होगा। अगर बाय द वे नंबर बढ़ जाता है तो यहाँ पे बता देगा कि इतना नंबर बढ़ा है और यहाँ पे लिखा रहेगा चेंज, अगर नहीं बढ़ेगा तो नो चेंज लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप ए वेटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको अभी प्रतीक्षा करना है, जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह रहा दोस्तों कि आपको रिजल्ट अभी आपका जारी नहीं हुआ, जिसका ए वेटिंग शो हो रहा है, यानी कि उसको प्रतीक्षा करना है, उसको चेक करते रहना है। चेक कैसे करना है उसकी सभी जानकारी हमने शेयर कर दिए, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यानी ऑफिशियल वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करें तो आप लोग चेक कर पाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे ए वेटिंग का मतलब आपको प्रतीक्षा करना है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप चेक करते रहें, क्योंकि रिजल्ट कभी भी अपडेट हो जाएगा। रिजल्ट आज नहीं आया तो कल चेक कर लीजिए, कल अगर ए वेटिंग बता रहा है तो परसों चेक कर लीजिए, यानी कि चेक करते रहें। जैसे ही ए वेटिंग हटता है तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट जारी हो गया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। और आपको बता दें कि आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप सभी के सामने जो भी सवाल हैं वो हम लाइव शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।